मैं प्रदेश श्रीवास्तव। बैंकिंग कॉम्पिटिशन्स में आजकल मेंस में कुछ इस तरह की पजल दी जा रही हैं जिसमें कैलकुलेशन होता है, मतलब आप कह सकते हो न्यूमेरिकल पजल। न्यूमेरिकल पजल्स पिछले एक दो पेपर से देखने को मिलना, जिससे एसबीआई मेंस का पेपर है या आरबीआई मेंस का पेपर है, कहीं ना कहीं जो पजल्स दी जा रही है वो कैलकुलेशन फॉर्मेट पर आ रही है। मतलब आपको फ्रेम भी बनाना है, फिक्स करना है और कैलकुलेशन भी करना है। ये पजल अपने आप में स्टैंडर्ड पजल कराती है। इन पजल्स में कई तरह की वैरायटीज होती हैं, उसमें से एक वैरायटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए आपके सामने है, इसको कह सकते हैं कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन या रैंक फॉर्मेट पर क्वेश्चन। यहां पर एक छोटी सी पजल आ रही है, पहले आप इस पजल को पढ़ेंगे, देखेंगे, फिर मैं कैसे बना रहा हूं उसको देखेंगे, कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। और ऐसी पजल ज्यादातर ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है, तो उसको फास्ट कैसे करना है, क्या ट्रिक्स होती है, कैसे अप्लाई करना है, ये हम लोग देखेंगे। यहां पर दिखाई पड़ रहा है, एक्सप्लेनेशन वैसे ही रहेगा कि मिक्स लैंग्वेज में एक्सप्लेन करेंगे और पजल आपके सामने इंग्लिश में है तो उसको हिंदी में डिस्क्राइब करेंगे। पजल लिखा हुआ है, 8 पर्सन ए बी सी डी ई एफ जी एच आर अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन एंड स्कोर 100 मार्क्स आउट ऑफ 100। मतलब 8 लोग एक एग्जाम में शामिल हो रहे हैं और अलग अलग मार्क्स पा रहे हैं आउट ऑफ 100, 100 में उनके अलग अलग मार्क्स हैं। वो मार्क्स हैं 10, 24, 26, 36, 40, 50, 90 और 100। इंपॉर्टेंट है बट नॉट नेसेसरी सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं कि क्रम यही हो एबीसीडी वाला मार्क्स का। अब इसके बाद इन्होंने कुछ कंडीशन दिए। कंडीशंस में हम देखा लिखा है मार्क्स ऑफ ई वर मोर देन एच, ई के मार्क्स एस से ज्यादा है, मार्क्स ऑफ ए एंड बी टुगेदर वुड इक्वल टू एफ, ए और बी के मार्क्स का टोटल एफ के बराबर है, सी गॉट लेस मार्क्स देन डी, सी के मार्क्स डी से कम है, मार्क्स ऑफ सी एंड डी टुगेदर वर इक्वल टू द मार्क्स ऑफ बी, सी और डी के मार्क्स का टोटल है बी के बराबर, ये पॉइंट आ रहा है, नॉट मोर देन 3% गेट गॉट लेस मार्क्स देन डी, दो पूरी नेगेटिव लाइन है, मतलब तीन से अधिक डी नॉट मोर देन 3%, तीन से अधिक लोगों के मार्क्स डी से कम नहीं। इसके बाद लिखा है मार्क्स ऑफ बी सी एंड डी टूगेदर वर इक्वल टू जी, बी सी डी के मार्क्स जी के बराबर। कहीं भी किसी भी कंटेंट का मार्क्स नहीं दिया हुआ है, ये सब हम लोगों को टैली करके निकालना है, सब कैलकुलेट करना, कहीं भी कोई मार्क्स नहीं दे रही। अब जब पजल की शुरुआत होगी क्या क्या चीजें करनी, कैसे करनी, ध्यान रखिएगा। आजकल फ्लोर की पजल खूब आ रही है, रैंक की पजल आ रही है, ऑर्डर फॉर्मेट की पजल आ रही है। इन पजल्स को सॉल्व करने के लिए, या जैसे ये मार्क्स की पजल है, रैंकिंग पजल है, क्लासरूम की पजल है, कंपेरिजन की पजल है, इन पजल्स को सॉल्व करने के लिए हमेशा एक ऑर्डर तैयार किया जाता है। वो ऑर्डर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फॉर्मेट पर होता है। जैसे यहां पर हमको मार्क्स दिए जा रहे हैं, तो हम लोग जो बेस बनाने वाले हैं वो मार्क्स को बनाने वाले हैं। जैसे यहां पर देखिए, हम यहां पर एक बेस बना रहे हैं, बेस में ऐसे आपको नोट करना 10, 24, 26, 36, 36 के बाद आ रहे हैं 40, 50, 90 और 100। अब ये मार्क्स हमने आपको दिख रहा है 10, 24, 26 एक क्रम में लगा हुआ, एक ऑर्डर में लगा हुआ है। नीचे देखेंगे तो डिक्रीजिंग है, ऊपर से देखेंगे तो इंक्रीजिंग। इसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है। इंफॉर्मेशन में जब हमारे पास कोई चीज फिक्स नहीं होती है तो हम वहां पे ऑब्जर्व करते हैं डाटा नोट करने के साथ साथ। कैसे, देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें आ रहा है मार्क्स ऑफ ई, यहां पे सबसे पहला पॉइंट आ रहा है मार्क्स ऑफ ई वर मोर देन एच, ई के मार्क्स एच से ज्यादा है। जिनके ज्यादा है, अब हमने ज्यादा नीचे रखा और कम वाला ऊपर रखा है, जिनके ज्यादा मार्क्स है वो नीचे है, जिनके कम है वो ऊपर है। तो हमने कहा मार्क्स ऑफ ई वर मोर देन एच, हमने अलग नोट कर लिया ई के मार्क्स ज्यादा है एच से,
हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, यहां पर जो ऑर्डर बना हुआ है आप उल्टा भी कर सकते हैं, हमने जैसे 100 नीचे किया 100 ऊपर कर सकते थे, तो वो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या ऑर्डर ले रहे हो। ये यहां पर जो मैंने बनाया हुआ है इसमें जिनके मार्क्स ज्यादा है वो नीचे है, जिनके कम है वो ऊपर है, तो उन्होंने कहा है मार्क्स ऑफ ई वर मोर देन एच, ई के मार्क्स एच से ज्यादा है, जिनके ज्यादा है वो नीचे, जिनके कम है वो ऊपर, तो ई के मार्क्स एच से ज्यादा है। मार्क्स ऑफ ए एंड बी टूगेदर वर इक्वल टू एफ, अब ये यहां पे नोट करने वाला है, ए प्लस बी इज इक्वल टू एफ, कितने हैं ये जानकारी हमारे पास नहीं। देन सी गॉट लेस मार्क्स देन डी, मतलब सी के मार्क्स डी से कम है, सी के मार्क्स डी से कम है और जिनके कम होते हैं उसको ऊपर रख रहे हैं, सी के मार्क्स डी से कम है, जिनके कम है वो ऊपर। अगला पॉइंट, मार्क्स ऑफ सी एंड डी टुगेदर वर इक्वल टू द मार्क्स ऑफ बी, सी और डी के मार्क्स बराबर है बी के, अलग लिख लिया हमने यहां पे, सी प्लस डी इज इक्वल टू बी, सी और डी के मार्क्स बराबर है बी। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है नॉट मोर देन थ्री, इसका भी यहां पे यूज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है मार्क्स ऑफ बी सी डी टूगेदर वर इक्वल टू जी, अब यहां पे आ गया बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू जी। इतनी जानकारी हमारे पास पजल से आ रही है, अब हमारा काम है यहां पर वैल्यू को पुट करके कैलकुलेशन को बैठाना, वो कैलकुलेट होने पर सारे इक्वेशन में फिट हो रहा है या नहीं। अब हम यहां पर बी कॉमन हो गया, यहां पर बी कॉमन हो गया, यहां पर बी कॉमन हो गया, हम कॉमन को उठा रहे हैं, कॉमन हमको बी दिखाई पड़ रहा है तो हम बी से स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। अब कैसे स्टार्टिंग करनी है, सी और डी के मार्क्स इक्वल हो रहे हैं बी के, अब क्या क्या चीजें हो सकती है हम यहां से चेक करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला, अगर ये 10 है सी तो हम 24 देंगे तो वैल्यू नहीं बनेगी, 26 देंगे तो नहीं बनेगी, 36 देंगे नहीं बनेगी, 40 दे दें अगर हम डी को तो ये हमारा बन जाएगा 50, ये हमारा तैयार हो जाएगा 50, यहां पर ये 50 एक पॉसिबिलिटी बनी। अगर हम इसको 24 दे दें सी को, 24 क्योंकि सी के कम है डी के ज्यादा है तो कम से शुरुआत हो रही है, सी को अगर 24 दे दें तो हम डी को देंगे 26, तब भी ये 50 बन जाएगा, बी तब भी बन जाएगा 50। अच्छा हम 26 देते हैं तो कोई वैल्यू फिट नहीं हो रही है, 26 पे कितना देके हम बी को ले आए नहीं आ रहा, 36 देते तो भी वैल्यू फिट नहीं हो रही, 36 देके हम कितना देते हैं कि बी को ले आए नहीं, 40 अगर हम इससे 40 दे देते हैं, 40 तो अब यहां पे 10 नहीं दे सकते क्योंकि सी के मार्क्स डी से कम है, तो हम यहां कितना देंगे 50 और यहां कितना हो जाएगा 90, बी हो गया 90। अब अगर हम यहां पे 50 देते हैं तो फिर इधर कोई वैल्यू आएगी नहीं क्योंकि सी के मार्क्स डी से कम, मतलब हम ये तीन केस तैयार कर सकते हैं सी प्लस डी इज इक्वल टू बी। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर बी की, बी को क्या क्या दिया जा सकता है, बी को 50 दो बार दिख रहा है, 90 एक बार दिख रहा है, तो पहले हम बी को 90 पे ट्राई करें, अगर हम बी को 90 दे देते हैं तो ऐसी कौन सी वैल्यू ना जो ऐड करने पे एफ तैयार हो जाए, तो हम 90 के साथ 10 तैयार कर सकते हैं, ये 10 और ये आपका तैयार हो जाएगा 100। अब मान लीजिए हमने ये केस यहां से उठा लिया, अब अगर हम 50 देते हैं बी को, यहां पे हमने दे दिया 50, बी के मार्क्स 50, तो 50 में ए को कितना दिया जाए, तो 50 में अगर हम ए की बात करें तो कितना ऐड कर दें कि कुछ और वैल्यू निकल के आ जाए, तो एक ही वैल्यू दिख रही है, 50 में 50 दिख नहीं रहा, तो यहां पे 40 ले सकते हैं, ये 40 और इस 50 के साथ में ये 50, अगर हम बी को 50 मान रहे तो ए को कितना मान रहे 40, तो ऊपर वाली संभावना खत्म हो जाएगी, तो अगर हम 40 मान ले तो ये कितना हो जाएगा 90 या, और बी को हम कोई वैल्यू ले नहीं सकते। अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि हमने जो यहां पर वैल्यू रखा है ये वाली वैल्यू हमने इस्तेमाल कर ली 40 50 90 वाली, इसको हम पहले छोटा सा इरेज कर दें ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये हट गई।
ए यहां से कैंसिल हो गया, ठीक है, ए कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 10 40 50 वाली फिगर है और वहां पर ये फिगर दिखाई पड़ रही। अब अगर हम नीचे की बात करें बी के लिए, तो बी को हमने 90 रखा है, 50 रखा है, और यहां पर बी को 50 लेके चल रहे हैं। तो अगर हम बी को 90 वाली फिगर मान लें, ये 90 वाली, तो 90 अगर मानते हैं तो सीओडी में कितना कितना ऐड कर देंगे, डिटेल वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि वैल्यू हमारी 100 के आसपास जा रही, 100 के ऊपर जा रही थी। तो अब हम यहां पर बी को 90 ना माने तो यहां पर बी को कितना मान लेंगे, यहां पर बी को हम मान लेंगे 50। ये आ गया 50, बी की वैल्यू कितनी आ गई 50। अब बी की अगर 50 आ गई है तो अब ये 10 40 वाली संभावना खत्म हो जाएगी क्योंकि 10 को 50 से लेके चल रहे, तो ये 10 वाली केस खत्म हो गया। तो अब हमारे पास जो ये वाला केस है ये खत्म हो गया ये, और अगर ये खत्म हो गया तो आप देख रहे हो कि हमने बी को कितना माना है 50, तो बी को 50 माना है तो ये खत्म हो गया 90 वाला, ये भी खत्म। अब आपको यहां पे फिगर दिख रही है कि बी 50 हो गया, ये सी हमने 24 लिया था, ये 24 ले लीजिए, डी हमने 26 लिया था, 26 ले लीजिए, और जी हमने कितना हो गया, जी हमारा हो गया 100। अब अगर हम ऑब्जर्वेशन की बात करें, देखिए सी को 24 माना, डी को 26, सी डी से कम है तो 24 और 26 का एडिशन करने पे तैयार हो रहा है 50, बी 50। अब बी को अगर हम 50 मान लें तो ए को हम 40 दे रहे हैं, ए को 40 दे रहे हैं तो एफ तैयार हो रहा है 90। अब अगर बी को हमने 50 माना हुआ है और सी और डी हमारे पास 24 और 26 हैं, तो इन तीनों को जोड़ने पे जी बन रहा है 100। ये हमारे पास पूरा एक आंकड़ा आ चुका है। अब इस आंकड़े को अगर हमें यहां पे फीड करना है तो हाईएस्ट 100 किसके हैं, जी के। इसको थोड़ा सा इस तरफ लिखा जाए ताकि आपको दिखे। तो अब हमारे पास जो मार्क्स बन रहे हैं वो बन रहा है, देखिए यहां पे सबसे पहले 10, 24, 26, 36, 40, 50, 90, 100। अब सबसे बड़ा जो अंक आ रहा है जिसने गेन किया है वो 100 पे हमको दिखाई पड़ रहा है, जी यहां पर आएगा जी। अब अगर हम बात करें 90 की, तो 90 पे हमको कौन दिखाई पड़ रहा है, तो 90 पे हम अगर यहां पे ध्यान से देखें तो 90 पे हमको एफ दिखाई पड़ रहा है, यहां पर आएगा एफ, ये आ गया। अब अगर हम 50 की बात करें, 50 नंबर पे कौन आ रहा है, तो 50 पे हमको यहां दिखाई पड़ रहा है बी, जैसे हमने शुरुआत की थी, क्यों, क्योंकि बी तीनों जगह पे कॉमन था, इस जगह पर आ रहा है बी। अब अगर हम 40 की बात करें तो 40 पे हमको वो दिखाई पड़ रहा है, वहां पर ए है, वो 40 पे आ जाएगा ए। 36 पे कौन है, कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास, 36 छोड़ दीजिए। 26 से फिक्स हो रहा है, 26 पे हमारे पास फिक्स हो रहा है डी, आप 26 पे डी को ले आइए, ये आ गया। अब अगर हम 24 की बात करें तो 24 पे फिक्स हो रहा है हमारे साथ में सी, वो आ गया, ये आ गया। हमने इनका यूज कर लिया, इनका यूज कर लिया, इनका यूज हो गया, ये आ चुका है, ये आ चुका है, ये भी आ गया है, जी का 100 आ चुका है, ए का 40, बी का 50 और डी एफ का 90 फिक्स हो गया। अब दो प्लेस खाली है, एक खाली है 10 और एक खाली है 36। नाम अगर चेक करें तो ए बी सी डी एफ जी दो नाम रह गए, वो रह गए ई और एच, और हमारे पास यहां पर ई और एच की एक कंडीशन यहां पे दिख रही है। ई एच की कंडीशन क्या थी, यहां पे पहली लाइन ये दिया हुआ है, मार्क्स ऑफ ई वर मोर देन एच, ई के मार्क्स एच से ज्यादा है। अब ई के मार्क्स अगर एच से ज्यादा है तो दो ही दिख रहे हैं 10 और 36, तो 36 पे कौन आ जाएगा, ई, यहां पर आ गया ई, और बिल्कुल लास्ट में चला जाएगा एच। ये आपका एक ऑर्डर लगा है। अब इस ऑर्डर में सारी चीजें फिक्स हो रही है कि आप यहां पे देखिए सारी चीजें, ये आ गया ये जी 100 सबसे मैक्सिमम मार्क्स, एफ 90, बी 50, ए 40, ई 36, डी 26, सी 24 और लास्ट में फाइनली आपके पास आ रहा है एच। खास बात ये थी कि पजल में कोई भी फिक्सिंग नहीं था,
किसके मार्क्स कितने हैं, कुछ आंकड़ा नहीं दिया गया था, लेकिन जो इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कहीं ना कहीं वो कैलकुलेटर्स कैलकुलेशन से बेस्ड थी। मतलब आपको वैल्यू पुट करने के बाद, कई तरह की वैल्यू पुट करने के बाद ऑब्जर्व करना था। पजल कुछ ऐसी ही आजकल देखने को मिल रही है। अभी अगले कुछ वीडियो में आप रैंकिंग की पजल, फ्लोर वाइज पजल, उसमें क्या ट्रिक है, कैसे करना है, वो सब देखेंगे आप। तो इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे, पहली बार में आप खुद से बनाएंगे, उसके बाद आप सॉल्यूशन देख लेंगे कैसे करना है। तो ये आपका प्रैक्टिस था। अगले टर्न पे कुछ और डिफिकल्ट वीडियो के साथ हम लोग आएंगे, पजल्स होगी, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।